गाजियाबाद कमिश्नरेट में एक साइबर फ्रॉड हुआ है, जिसे लेकर कविनगर थाने में एक FIR पंजीकृत की गई। इसमें जो आजकल डीप फेक का जो मेनास नया एक चैलेंज सामने आ रहा है, साइबर क्रिमिनल्स किसी का भी वीडियो या फोटो लगाकर उसमें अपनी आवाज़ डालकर वो तरह तरह के कॉल करते हैं। इस तरह के अपराध से बचने के लिए हम लगातार आपको आगाह करते रहे हैं। जो वीडियो लिए गए हैं उसमें भी किस प्रकार से आप अपना OTP को सुरक्षित रख सकते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट को रोक सकते हैं, इसके लिए उपाय बताए गए थे। ऐसे किसी भी साइबर क्रिमिनल के आप झांसे में ना आए, इससे बचने के लिए चाहिए कि कोई भी अननोन कॉल, विशेषकर जो वीडियो कॉल आती है, उसको ना उठाएं। इसमें जो विक्टिम है व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, उन्होंने एक वीडियो कॉल आया और उसको उठा लिया, उनका वीडियो बना लिया गया। ये सेक्सटॉर्शन कॉल होती हैं कई बार, जिसमें महिलाएं उसमें अपने आप को न्यूट करने लगती हैं और उस वीडियो को ये कैप्चर कर उसके बाद फिर यूट्यूब की तरफ से ऑफिशियल बनकर पहले ठगी करने की कोशिश करते हैं कि आपका वीडियो बन गया, अभी अपलोड करने जा रहे हैं। जो लोग समझदार हैं वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं या वो पुलिस की मदद लेते हैं, लेकिन कुछ लोग केवल उनको लगता है कि इससे बेइज्जती हो सकती है तो वो बताते नहीं हैं कहीं, और इसका वो भरपूर लाभ उठाते हैं जो साइबर क्रिमिनल हैं। इस केस में भी उन्होंने यही किया कि उन्होंने पहले पैसे वसूल करिए, उसके बाद एक किश्त दे दी, उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा उनको परेशान करने के लिए फिर से पैसा मांगा, तब ये मामला उन्होंने अपने परिवार वालों के संज्ञान में लाया और ये पुलिस तक पहुंचा। इस पर साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए टीम लगी है, ACP, DCP इसको डायरेक्ट सुपरवाइज कर रहे हैं इस केस को, और ऐसा अपराध ना हो इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप कोई भी अननोन कॉल ना उठाएं, अननोन लिंक को कभी भी उसको प्रेस ना करें, क्योंकि एनी डेस्क टाइप के कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे पूरा आपका स्क्रीन वो अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की कोई भी जो कॉल आती है उससे बचें। यदि किसी के साथ इस तरह का अपराध हो भी जाता है तो उससे डरें नहीं। तो कई बार नकली पुलिस अधिकारी या नकली कोई भी फेसबुक के या यूट्यूब के अधिकारी बनकर बात करेंगे, तो ऐसी चीज़ों को रिपोर्ट करने के लिए आपको 1930 जो साइबर क्राइम के लिए हेल्प का एक नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA के द्वारा जारी किया जाता है, 1930 पर इसकी सूचना अवश्य दें। cybercrime.gov.in ये पोर्टल है, इस पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जो नज़दीकी आपके कोई थाना है, चौकी है या साइबर क्राइम हेल्प डेस्क है, इस पर जाकर आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस तरह के जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर या ऐसे अपराध करता है जो आइडेंटिटी थेफ्ट के दायरे में आते हैं, IT एक्ट की परिधि में आते हैं, उसके अतिरिक्त इसमें IPC की भी धाराओं में 467, 468 इस तरह की कार्रवाई होती है, तो इसे छुपाए ना। यदि कोई इस तरह का एक्सटॉर्शन करता है तो तत्काल पुलिस के संज्ञान में ये मामला लाया जाए। इसमें मेरे द्वारा भी लगातार कोशिश की जा रही है कि ये जल्दी से साइबर क्रिमिनल पकड़े जाएं, और पुलिस इसमें मुस्तैदी से कार्य कर रही है, जल्दी इसमें परिणाम सामने आएंगे। ये वीडियो इसलिए चलते चलते दिया गया क्योंकि बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं मेरे पास, उस वीडियो को देखने के बाद ऊपर जरूर रिपोर्ट करें। यदि आपका बैंक से पैसा काट लिया जाता है तो उसमें मैसेज आता है और उस पर एक नंबर भी लिखा होता है कि यदि आपने ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो आप इस नंबर पर SMS करें या फोन कॉल करें, तो ये भी आप कर सकते हैं, जिससे कि पैसा आपका जिस स्टेज पर है वहीं पर फ्रीज हो जाए और इसे पुलिस आपको जल्दी से पैसा लौटाने में आप तेजी करती है फिर, और इससे आपका पैसा वापस आ जाता है, वो साइबर क्रिमिनल के अकाउंट तक नहीं पहुंच पाता। तो बेहद सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप को जुड़ा रखें ये नई नई तकनीक के बारे में कि किस प्रकार से फेक, डी फेक के नाम से ये साइबर फ्रॉड चल रहे हैं, सेक्सटॉर्शन के नाम से साइबर फ्रॉड चल रहे हैं। कृपया इनसे विशेष रूप से सावधान रहें और लोगों को भी सावधान करें। कृपया इसको लाइक शेयर करें और जहां भी अपने ग्रुप से उनमें भी भेज दें, जिससे कि सभी को इस अपराध के बारे में पता चले और जल्दी से जल्दी ये साइबर क्रिमिनल पकड़े जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।